बालिका छात्रावास के स्थानांतरण पर पूर्व विधायक ने दी चेतावनी। जी हां, पूर्व विधायक कैलाश कुंडल ने प्रेस वार्ता कर मध्य प्रदेश शासन एवं देवास जिला शिक्षा अधिकारी के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि की अनदेखी का परिणाम बताया है कि कन्नौद में शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा व उनके पालकों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा मजाक किया जा रहा है। कई वर्षों से संचालित शासकीय कन्या शाला, जिसका अपना गौरवशैली इतिहास के साथ आज एक खूबसूरत परिसर में तब्दील हो चुका है। उक्त वक्त भवन नगर में मध्य में पुलिस थाने के करीब व बालिका छात्रावास के बीच होने से छात्रों के लिए बेहद सुरक्षित है। ऐसे सतवास रोड पर कन्नौद महाविद्यालय एवं बालक हायर सेकेंडरी स्कूल के पास बने नवीन परिसर में स्थानांतरित करने के आदेश हुए हैं। मध्य प्रदेश शासन व जिला प्रशासन तत्काल इस आदेश को निरस्त करें, वरना कांग्रेस जन और छात्राओं और उनके पालकों के साथ सड़कों पर आकर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। कन्नौद नगर के सभी नागरिकगण और उन बालिकाओं के पालकगण तो जानकर शायद दुख होगा कि हमारे नगर के एक ऐतिहासिक स्थान कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल भवन, जो हम कई पीढ़ियों से देखते आ रहे हैं, वो शासन के एक तुगलक के आदेश से उन बच्चियों के साथ, उन बच्चियों के पालकों के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ होने जा रहा है। देवास जिला शिक्षा अधिकारी ने 3 तारीख को एक आदेश जारी किया है कि परियोजना के तहत एक नवीन भवन कन्या हायर सेकेंडरी के लिए बना है, जो कॉलेज भवन और बालक छात्रावास हायर सेकेंडरी स्कूल के पास है, सतवास रोड पर। आप और हम सब इस बात से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं कि जितना सुरक्षित वर्तमान परिसर है, खूबसूरत परिसर है, जिसको बालकों बालिकाओं ने, शिक्षकों ने बड़ी मेहनत से खूबसूरत परिसर में तब्दील किया है, इस परिसर को उस नवीन भवन में सतवास रोड पर स्थानांतरित करने का आदेश हुए हैं। बड़ा आश्चर्य है जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश पर, आश्चर्य है स्थानीय जिम्मेदार लोगों के ऊपर कि सबसे सुरक्षित सारे छात्रावास इस कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल के आसपास हैं, पुलिस थाना परिसर इसके पास में है, SDM कार्यालय इसके पास है, और पालक और छात्राएं दोनों ऐसा महसूस करते हैं कि इससे सुरक्षित स्थान बच्चियों के लिए नहीं हो सकता है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी, क्या कारण बना कि बालिकाओं के इस स्कूल को असतवास रोड पर स्थान करना पड़ रहा है? आप कल्पना करें, यहाँ से सारी छात्राएँ छात्रावास में रहने वाली पूरे नगर को पार कर वहाँ स्कूल पहुँचेंगी और वापस वहाँ से लौटेंगी। मेरा शासन से, जिला शिक्षा अधिकारी से, जिला कलेक्टर महोदय से और क्षेत्रीय विधायक महोदय से अनुरोध है कि तत्काल इस निर्णय पर रोक लगाएं, और अगर निर्णय पर रोक नहीं लगती है तो मजबूर होकर हम कांग्रेस जन छात्राओं के साथ, छात्राओं के पालकों के साथ और कन्नौद नगर के अन्य गणमान्य नागरिकों के साथ सड़कों पर आकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की, सरकार की होगी। कैनन न्यूज के लिए कन्नौद से राजकुमार मोदी की रिपोर्ट।